ये इस पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट वाली बटन में क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो सिलेक्ट की गई पिक्चर पेज के बैकग्राउंड में शो हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पेज के बैकग्राउंड में कलर या पेज के बैकग्राउंड में पिक्चर को कैसे शो कराते हैं। तो पेज के बैकग्राउंड में कलर कैसे शो कराते हैं, पिक्चर कैसे शो कराते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा अपने इस वीडियो में। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है। सबसे पहले आपको यदि इसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगानी है तो वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। तो मैं एक पिक्चर को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई भी नेचुरल वॉलपेपर। पिक्चर कैसे डाउनलोड की जाती है ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बताया हुआ है, तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने कोई भी पिक्चर को ऐसे डाउनलोड कर लिया अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, जल्दी से मिल जाती है डेस्कटॉप पर से। इसको मैंने सेव कर लिया, सेव हो गई। अब हम ऑफिस में वापस आते हैं। अब हमें पेज के बैकग्राउंड में यदि कलर देना है, कलर देने के लिए तो आप फॉर्मेट वाले ये मेनू बार को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड वाले ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो बैकग्राउंड में कलर शो हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं जो भी कलर दिया है रेड कलर है, काफ़ी आंखों में चुभ रहा है, इसको चेंज करते हैं जल्दी से, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। जो भी कलर आप देंगे तो ये आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में शो हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ पहले से कि कोई भी बैकग्राउंड पिक्चर या बैकग्राउंड कलर का प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, ये सिर्फ ओनली देखने के लिए। प्रिंट आप उसी का निकाल सकते हैं जो प्रिंट लेआउट वाली विंडो में शो हो रहा होगा। यदि आप इसको प्रिंट लेआउट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कलर हट जाएगा, मतलब इसका प्रिंट आप निकाल नहीं सकते, सिर्फ आपके देखने के लिए है। और यदि आपको इसके बैकग्राउंड में पिक्चर लगानी है, ये मैंने कलर लगाना बताया, अब यदि इसके बैकग्राउंड में पिक्चर लगानी है तो सेम वैसे ही फॉर्मेट वाले मेनू बार को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद बैकग्राउंड, इसके बाद ये फिल इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर फिल इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर पिक्चर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ड्राइव वाली बटन से मैंने डेस्कटॉप पर पिक्चर सेव किया था, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पिक्चर पहले से पड़ी हुई है, इस पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट वाली बटन में क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो सिलेक्ट की गई पिक्चर पेज के बैकग्राउंड में शो हो जाती है। इस तरीके से आप पेज के बैकग्राउंड में कलर को ला सकते हैं, पेज के बैकग्राउंड में पिक्चर को शो करा सकते हैं। अब इस पिक्चर को यदि आप हटाना चाहते हैं तो सेम वैसे ही फॉर्मेट वाले ये मेनू बार को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, फिर ये नो फिल वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नो फिल वाली बटन में क्लिक कर देते हैं तो पेज के बैकग्राउंड से पिक्चर हट जाती है। इस तरीके से आप पेज के बैकग्राउंड में पिक्चर को लगा सकते हैं, पिक्चर को हटा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं और कलर को भी ऐसे ही पेज के बैकग्राउंड से हटाया जा सकता है।